हाय, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मतलब पेशे से डॉक्टर बनने वाला हूँ। डॉक्टर बनने से पहले ही पहले किसी और का मरीज हो गया। उसी के ऊपर लिखा है, उसने कभी गौर नहीं किया। शायद उसने कभी गौर नहीं किया कि कैसे उसके आने से धड़कनों का मिजाज बदल जाता था। उसके कुछ बोलने पर ये कमबख्त धड़कना भी भूल जाता था। उसकी एक मुस्कान पे हमारा वक्त ठहर जाता था। उसके बारे में सोचते सोचते हमारा ख्याल भी थक जाता था। कैसे उसके खुले बालों पे हमारी सांसों का चलना अटक जाता था। उसकी एक झलक पे ना क्या चैन आता था, और ना देखने पे हमारा क्या हश्र हो जाता था। पर शायद उसने कभी गौर नहीं किया। शायद उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमारा सर हमेशा उसके सजदे में झुकता था। हमारा हर इशारा उस पे ही जाकर रुकता था, कि हर स्वप्न हमारा उस पे ही जाकर सिमटता था। कैसे उसके कान की छोटी सी बाली पे हमारा दिल अक्सर लटकता था। हमारी हर खुशी का रास्ता उससे होकर जाता था। कैसे मेरे कोरे कागज़ को उसका रंग सजाता था। सिर पे उसका दुपट्टा ना कभी कभी हमारी जान ले जाता था। पर शायद उसने कभी गौर नहीं किया। वो मुस्लिम है, और जब भी अजान होती है तो सर पे उसका दुपट्टा आ जाता है। तो अगला लाइन उसके ऊपर है, ये तो मैंने उसे बतलाया ही नहीं कि आजकल हमारा ध्यान आरती से ज़्यादा अजान पे होता है। सुबह की दुआ में आज भी हमने उसे ही मांगा होता है। हमारा परिचय उसकी पहचान से होता है। उसकी चाल में ना यारो एक अलग सा अंदाज होता है। मन तो उसे समेट के अपनी धड़कने सुनाने का है, और उसकी शर्मीली मुस्कान पे फिर से फिदा हो जाने का है। पर मैंने उसे ये बतलाया ही नहीं, पर शायद उसने कभी गौर नहीं किया। शायद उसने कभी महसूस ही नहीं किया कि हर बार उसे देखने पे नया सा लगता है। दूर होने पर भी वो अपना सा लगता है। दूरियों का एहसास होने पर एक दर्द सा चुभता है। हमारे नैनों से अब अश्क बिन पूछे टपकता है। हमारा मन आज भी उसी के लिए तड़पता है। वो दूर होने पर भी अपना सा लगता है। पर शायद उसने कभी गौर नहीं किया। थैंक यू।